सारे लोग कुछ तो हैं नीतीश जी के साथ, उसी के लीडर हैं ना नीतीश जी। नीतीश जी ने शुरू किया था ये काम, ये बात तो सब लोग जानते हैं। अयोध्या जाने से हम लोग रोक रहे हैं क्या किसी को? आप लोग जाइएगा कि नहीं? काहे नहीं जाएंगे, हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, बीजेपी वाला से ज़्यादा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे हैं और नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं उसका पहल शुरुआत किए हैं। बिहार में पहली बैठक हुई थी, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो बिहार पहुंचे थे, पर नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बड़ा बयान दे रहे हैं। और देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार में सारी योग्यता है। देखिए, कन्वेयर बनाने के मुद्दे पर भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ करें वो भी आप सुनेंगे। और राम मंदिर, देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को जो द्वार है सभी के लिए खुलेगा। अखिलेश प्रसाद सिंह भी जाने की बात करें, क्या कुछ करें पहले आप वो सुने। तो अभी प्रधानमंत्री तय हो रहा है। अरे भाई, पहले बीजेपी को हम लोग हराएंगे, हम लोगों की का जो संख्या पर्याप्त बल चाहिए वो हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री भी चुन लिया जाएगा, उसमें कौन सा भारी बात है। सारे लोग कुछ तो हैं नीतीश जी के साथ, उसी के लीडर हैं ना नीतीश जी। रथ यात्रा अभी रवाना हुआ है अयोध्या के लिए, तो क्या उसमें उन्होंने बोला कि सारे पार्टियों अयोध्या जाने से हम लोग रोक रहे हैं क्या किसी को? आप लोग जाइएगा कि नहीं? काहे नहीं जाएंगे, हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, बीजेपी वाला से ज्यादा करते हैं। और शंकराचार्य जी कोई बयान दिए हैं उस पर नहीं कुछ आप लोग वहाँ सवाल करिए ना, ये हम लोगों का सवाल नहीं है ना। नहीं, इसका निश्चित जानकारी आपको दिया जाएगा जब इस तरह का की कोई बात होगी। शेड्यूल्ड है, मीटिंग तो होते ही रहता है, इस तरह का रूटीन मैटर है। और नीतीश जी में सारी योग्यता है, इस बात को आप लोग क्यों ये सवाल खड़ा किया जाता है मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, कल कोई इस तरह की बैठक नहीं हुई। आज मैं तो उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं इसका निश्चित उत्तर आपको नहीं। प्रदेश अध्यक्ष है तो मुझे जो जानकारी है मैं वही तो बताऊंगा आपको। अरे आज अखिलेश जी 5-6 सीटों पर जिस पर जेडीयू के सांसद हैं और आप लोग पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, उसको लेकर पेंच फंस रहा है? कोई पेंच नहीं फंस रहा है, सब हम लोग पेंच सीधा कर देंगे और बीजेपी को हराएंगे। आपकी दावेदारी उन सीटों पर रहेगी जिस पर आप दूसरे नंबर पर रहे थे? अरे भाई, हम लोग आपस में बात करेंगे, प्रेस से बात करने आए हैं सीटों का। हम लोग आपस में बातचीत करके कोई मसला ऐसा नहीं है जिसको हम लोग नहीं सुलझा लें। तो सभी पार्टियां चाहती हैं, तो कांग्रेस उसमें कब पीछे रहेगी? नीतीश जी ने शुरू किया था ये काम, ये बात तो सब लोग जानते हैं। और नीतीश जी की परिपक्वता के बारे में, नीतीश जी के पॉलिटिकल समझ के बारे में कौन सवाल खड़ा कर सकता है? तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपने सुना है। राम मंदिर जब द्वार खुलेगा, तमाम लोगों को निमंत्रण भी आ रहा है। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ शब्दों में कहा है, बीजेपी के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा हम पूजा पाठ करते हैं, क्यों नहीं जाएंगे, एकदम जाएंगे। उतना ही नहीं, नीतीश कुमार को लेकर, कन्वेनर बनाने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, उस पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कहाँ कोई शक है, सब लोग राजी हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी को भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आपने सुना। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।